नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं द खबरदार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। आज शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून को लेकर घोषणा की है। उन्होंने व्यक्तित्व दिया है कि लोकसभा चुनाव से पूर्व ही सीएए कानून को लागू करने का आदेश जारी कर दिया जाएगा। अमित शाह जी ने विगत वर्ष दिसंबर माह में अपने पश्चिम बंगाल के दौरे के दौरान दावा करते हुए कहा कि सीएए कानून को बहाल करने के लिए हमें कोई रोक नहीं सकता। माननीय अमित शाह जी ने कानून का स्पष्टीकरण करते हुए कहा है कि सीए किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनेगा। सीए का इसका तात्पर्य केवल धार्मिक उत्पीड़न व हिंसा का सामना कर रहे पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी और बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों को नागरिकता देना है, चाहे वह किसी भी मजहब के क्यों ना हो। अगर हम इस कानून की जड़ को देखें तो पता चलता है कि पड़ोसी देश के पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का वादा कांग्रेस का है। इसका आशय है कि जब देश का विभाजन हुआ तो पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यक समुदाय के साथ हिंसा एवं दुर्व्यवहार किया जा रहा था, उस दौरान वे भारत में चाहते थे। तब कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पड़ोसी देश में आए अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर मुसलमान को बरगलाने अर्थात गुमराह करने का आरोप मढ़ा है। उन्होंने व्यक्तित्व दिया है कि हमारे मुस्लिम भाइयों को सीए को लेकर बरगलाया और आक्रोशित किया जा रहा है। सीएए केवल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता और पहचान देने के लिए है। सीएए का उद्देश्य हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी एवं ईसाइयों सहित प्रताड़ित किए गए गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत आए हैं। सीएए कानून बीजेपी सरकार का मास्टर स्ट्रोक साबित होगा, क्योंकि इस कानून को लेकर जनता की सहानुभूति केंद्र सरकार के साथ है और इस कानून के लागू होने से बीजेपी सरकार जनता को यह विश्वास दिलाने में सफल होगी कि जो वादा वह भारत की जनता से करती है उसे विषम परिस्थितियों में भी पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। और बीजेपी सरकार अपने वादों को पूरा करते हुए ये संदेश दे रही है कि आने वाले लोकसभा चुनाव एनडीए बनाम इंडिया का नहीं है। ये भ्रष्ट शासन बनाम भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के बारे में है। ये चुनाव उन लोगों के बारे में है जो राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं, बनाम उनके बारे में है जो विदेश नीति के नाम पर देश की सुरक्षा को दांव पर लगाते हैं। देश में समानता का यह मूल मंत्र देश को आधुनिकता की ओर प्रसारित कर रहा है और प्रसार के साथ साथ अपनी जड़ों को मजबूती प्रदान करता है, जिससे विरोध का स्वर ना फूटे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास। शिफ्टिंग की टेंशन? अब नो टेंशन। शिफ्ट गो पैकर्स एंड मूवर्स है ना, जो आपके घर के पूरे सामान के साथ आपकी बाइक व कार को सुरक्षित एवं जिम्मेदारी के साथ आपके घर तक पहुंचाता है। तो आप देख इस बात की आज ही संपर्क करें 8821000717।